पार्टी मीटिंग दे विच श्रोमणी अकाली दल भी शामिल होया। जी हाँ, श्रोमणी अकाली दल वालों बलविंदर सिंह पूंदड़ ने शमूलियत की इस ऑल पार्टी मीटिंग दे विच शामिल होकर उन्होंने कहा कि जेकर खेती कानूनों ते सरकार पहला साड़ी गल मान लैंदी तां अज दिन ना वेखना पैंदा। जी हाँ, डीजल ते टैक्स का वड्डा हिस्सा किसान ही दे रहे ने। बलविंदर पूंदड़ ने गल नूं जाहिर किया, उन्होंने कहा कि सिखां बारे गलत शब्द वरतन वालों सरकार पद्मश्री दे रही है। कंगना रनौत का नाम तो नहीं लिया पर इनडायरैक्ट ढंग के नाल तंज भी कसते विखाई दिते बलविंदर पूंदड़। तुहानू दस दिए श्रोमणी अकाली दल वालों नुमाइंदगी करते विखाई दिते बलविंदर पूंदड़ अज की इस ऑल पार्टी मीटिंग। बलविंदर सिंह पूंदड़ ने कहा है कि जेकर खेती कानूनों लैके सरकार ने पहला साड़ी गल मान ली होंगी तो अज नू ए दिन नहीं सी वेखना पैना। उन्ती तरीक नू संसद का शरद रुत इजलास शुरू होने जा रहा है, उसनू लैके सरकार वालों एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिस श्रोमणी अकाली दल वालों बलविंदर सिंह पूंदड़ जो कि राज्यसभा सांसद ने सीनियर अकाली आगू ने वो ये शिरकत करके आए हैं। उन्होंने गलबात करते हैं, जानेंगे कि रहा ऑल पार्टी मीटिंग। पूंदड़ साहब, ऑल पार्टी मीटिंग की रहा जिस पार्टी अकाली दल वालों जो सी साढ़े वास्ते सब तो व्डा देश वास्ते भी है साढ़े वास्ते भी सी कि सब तो व्डा इशू सी किसानी का। तो मैं कहा कि श्रोमणी अकाली दल तो पंजाब के लोग इस गल का तो स्वागत करते हैं कि फैसला होया तिने बिल वापस ले जा रहे हैं हूँ क्योंकि एजेंडे लग चुके ने वापस हो जाने ने, यदा तो स्वागत है। लेकिन जो असली मुद्दा है ये नाल किन्ने पॉइंट नवे पैदा हो गए ने। पहला पॉइंट तो जिहड़ा पहला तो ही आउंदा है जिहड़ा सही मेजर पॉइंट है वो ये नाल तीन बिलों की वापसी दे सी कानूनी गरंटी इस दी कि जिहड़ी है सारी MSP मिनीमम सपोर्ट प्राइस दिती जाए। सो एक तो यह है, इस पर कमेटी बनाने का सरकार ने भरोसा दिता है। दूसरा सी कि ये जो 700 किसान शहीद होया वो इस करके होया उन्हां जो है परिवारों उन्हां दा मुआवजा दिता जाए कि उन्होंने ढुकमा जो मुआवजा ता कि जो परिवार है उन्हां दा बड़ा बड़ा नुकसान हो गया। तीसरा जो है जिन्नियां केस बने ने देश दे विच किसानी ते इस एजिटेशन चो केस वापस ले जाण। चौथा जो लखीरपुर खीरी कांड होया जो सब तो ही इस देश दे मत्थे ते धब्बा है कि अनहते खड़े लोग उन्होंने बल सरकार ही नुमाइंदियां ने जीव चाढ़ती है। जिहड़ा दिल्ली का होम मिनिस्टर है स्टेट का उहदे लड़के ने चाढ़ती है और गोलियां चलाईयां ने, वह तो फड़ लिया लेकिन उहदे उल्ट किसानां ते एनकाउंटर केस बनाते वह केस वापस लो। किसान तो नहते खड़े से, TV दसदी है, कैमरे दसदे, किसान तो पासे सड़कां ते खड़े से नहते तो उन्होंने पता कोई नहीं, पिट्ठ पिछों आ के गड्डी उत्तों चाढ़ के दड़दा तरह गया। फिर उत्थे गोलियां चलियां, वह गोलियां चलने वाली जी गन है वो जो मिश्रा जी इन्हां दे होम मिनिस्टर स्टेट है उसकी साबित हो गई है। तो फिर उसू सेंटर बढ़ा छड़िया तो इंसाफ क्यों मिलेगा, वह रिजाइन चाहिए। सो ये जो सारे इशू रिलेटेड है उन्होंने इशुआ का भी मसला हल करो। डीजल पेट्रोल गैस हर चीज़ महंगी है पूंदड़ साहब, उससे सरकार की कहती है जो रख दे। मैं कहना ये अलाइड मुद्दा है कि किसानी के ना ही अलाइड है कि साथों ही टैक्स ले जाने, सानू उधरों अनाज तो मारी जाने उधरों साथों तेल तो टैक्स वध लैके देश चलाई जाने। होर तो देश की इंडस्ट्री खड़ गई, जहाज खड़ गए, बसा खड़ गई, रेल खड़ गई, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, तुम कितों टैक्स लें? तेल तो लिया सारा टैक्स किन्ने गुणा बढ़ गया। दुनिया सब तो घट प्राइस है हिंदुस्तान, सब तो वध प्राइस है तेल की। यह टैक्स जिहड़ा है 10 रुपया नाल नहीं सरना, सूबे भी अपना बैट घटाउण और सेंटर अपना टैक्स घट तो घट करे मिनीमम जिन्ना कितने पहला से। अज तो 2 साल पहला ये 2 साल तो टैक्स बहुत वधिया होया, जिहड़ा 14 से उत्थे ले जावे टैक्स आपका। मैं फिर कहा कि चौथा पॉइंट यह है कि असीं धन्नवाद करते हैं जिहड़ा है जो गुरु नानक देव जी दे दिवस से वो लांघा खोले, लेकिन लांघा खोलण नाल जिहड़ी अगली प्रॉब्लम है लोगों भी हल करो। अज होम मिनिस्ट्री तो फॉर्म भरने पैंदे ने, वो इजाज़त दिंदी है, फिर वो लोगों को टाइम मिलता जाते हैं। तुसीं क्यों ना पासपोर्ट की जेब च होवे, आधार कार्ड जेब च होवे, वो जांदा जिन्ने बंदे भेजे ने उन्होंने कार्ड लो, पासपोर्ट देखो, उन्हें जाना है तो आना 2 किलोमीटर हो तक तो जाने ही नहीं, शाम को आ जाना, रहना भी नहीं, तो उन्होंने इजाज़त दो, सिंपल करो ताकि सौखा हो। इस करके इस हर्डल में जोड़ा है वो हटाओ ताकि वो तो वो श्रद्धालु देख सकन, नहीं वो बेचारे उड़ीकते रहते मेरी बारी कदों आएगी। सो इत ये 3-4 तो पॉइंट इस फिर चौथा मैं पॉइंट रखा कि सिख कौम तुम शाबाश है, गुरु नानक देव जी ने किसानी वास्ते भी वो दिन लिया, तुम ये बॉर्डर भी खोली उस दिन। लेकिन मैं अफसोस है कि जी इन्नी बहादुर कौम है जिन्हां दे गुरु सच बोल के देश दे वास्ते जेलां जांदे रहे, फिर उस तो बाद कौम मुगलों तो बाद अंग्रेज़ों नाल लड़दी रही और जलियांवाले बाग दे साके साडे अज दे जिहड़े शहीद जिहड़े अज तो साडे पहला आजादी वेले होए, ऊधम सिंह सराम वर्गे और भगत सिंह वर्गे तो सराभे वर्गे,
उन्होंने लोगों ने देश आजाद कराया, जलियांवाले साकिया ने, मैं नहीं कहता देश का घट है लेकिन सब तो वध है, अज बॉर्डर पर बैठे है तो वह पंजाबियों के और यूपी के जोड़ा किसानी खिता है इस इन्हों के पुत उत्थे बैठे उत्थे बिरले टाटे का पुत जाता नहीं ना अंबानी का पुत जाता है, इस करके जो बॉर्डर सेफ है तो भी पंजा ये नौजवान जाते हैं किसानों के पुत जाते हैं, जे अनाज दें तो असं दें टैक्स लै रहे हो तो साथों लै रहे हो तो सानू फाहे चाड़ छड़े है तो उल्टा तुम कि कहते हो कोई दवानी का बंदा उठता मैं ना नहीं किसी का लेंदा कोई एक्ट्रेस है कोई होर है ये जी सिख अतवादी ने सिख आतंकवादी ने क्यों भी एड्डी बहादुर कौम जिसका दुनिया सिक्का चलता है कि जे दुनिया सब तो जरनैल होए वे नौ तो नौं चो एक सब तो व्डा हरी सिंह नलोहा जो बॉर्डर एक नंबर का जरनैल होया तो जोड़ा सब तो व्डा साका जिन्हों फ्रांस वर्गे देश भी इंग्लैंड वर्गे मानते हैं वो सारागढ़ी का होया जिते सारे सारे सिख शहीद होए लेकिन चौकी नहीं अब जाऊन की आखिरी तक तो तुम उस कौम कह रहे हो कि जो आतंकवादी ने फलाना सोशल मीडिया टिचरा कर रहे हो कानून बनाओ सख्ती ना तुसी उन्हें पद्मश्री दे रहे हो उल्टा पद्मश्री सवाल ना यह सवाल बड़ा वड्डा है। कंगना रनौत एक एक्ट्रेस है डीएसजीएमसी दिल्ली कमेटी ने बकायदा उसके खिलाफ जाके शिकायत भी दर्ज कराई बॉम्बे दे विच तुहानू लगता नहीं ये कानून बन के इन होर सख्त करना चाहिए किसी भी धर्म किसी भी कौम से इस तरीके की टिप्पणी ना हो मैं इसे करके कहा मैं ना नहीं लिया मैं ना नहीं लिया नोइंगली लेकिन पद्मश्री दिते ही उसनू है इस करके जो रोज जो मर्जी बोलते हैं मैं लड़की करके भी स्त्री है मैं ना ना लवा चलो कोई कुछ हैगा ना लिया गलत है लेकिन टिप्पणी जिन्हें की है उन्होंने पद्मश्री दे बैठे हो इस करके तुसी लोगों सख्त सजा दो कानून सख्त बनाओ मुड़ के इसकी जरूरत न पवे पद्मश्री वापस लैन की मांग की है पद्मश्री वापस लैन की मांग जोर नाल की है हुण आने वाला दिन दसेगा कि जिहड़ा सत्र शुरू हो रहा है वह किन्ना हंगामेदार रहेगा क्योंकि बकौल भुंदड़ साहब उस जिहड़े पख दे मुद्दे ने चाहे वह किसानी होए बेरोजगारी होए महंगाई होए तो सब तो अहम चीज़ सिख कौम से टिचरा करने वालों वास्ते निखेधी की उन्होंने जोरदार तरीके कहा कि एक सख्त कानून बनाया जाए कि यहोजियां गल्लां लोग ना करन। कैमरामैन जगदीश के नाल हरप्रीत सिंह पीटीसी न्यूज़ दिल्ली।